नहीं यहाँ पर रास्ता नहीं है, ये क्या है समझ नहीं आ रहा, कुछ कुछ चौकी या कुछ रहा होगा कोई पुराने समय में। यहाँ पर ऐसे ऐसे कमरे से बने हुए हैं, इसकी बहुत बहुत ही ऊंची दीवार में, अरावली की पहाड़ियों में जंगल में इस महल को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर ये खाई रही होगी जो काफी गहरी है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत की राजधानी दिल्ली में एक जगह जिसका नाम बताया जाता है कि ये जगह है हॉन्टेड। जी हाँ, आपने सही सुना, नाम है इसका भूली भटियारी। कुछ लोग भूली भटियारी का महल कहते हैं, कुछ लोग भूली भटियारी की जगह कहते हैं। आज मैं यहाँ पर दिन में आया हुआ हूँ। ये दोस्तों धौला कुआं करोल बाग के पास, दरअसल झंडे वाला एक मेट्रो स्टेशन है उसके पास ये एक जगह है भूली भटियारी। पुरातत्व ऐतिहासिक महत्व की ये जगह है। ये देखिए यहाँ पर ये फिर एक ऐसा पुराना महल जैसा, ये कोई किला कोई स्ट्रक्चर था। चारों तरफ आप मेरे देख रहे होंगे भूली भटियारी के महल के पास, किले के पास, ये एक बहुत घनघोर जबरदस्त जंगल है। अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पर, ये समझिए कि दिल्ली में इस जगह पर आकर ख़त्म होती है राजस्थान से। यहाँ पर काफ़ी बहुत बड़ा विशाल जंगल था, वन था। यहाँ पर बताते हैं कि इस्लामी शासन के दौरान राजा फिरोज तुगलक ने यहाँ पर एक, उसकी शिकारगाह होती थी यहाँ जंगल में, वो शिकार करने आता था और उसने यहाँ पर एक महल बनवाया था। वो महल उसकी रानी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, वो यहाँ पर रहने लग गई। फिर माना जाता है कि ऐसा हुआ कि राजा फिरोज तुगलक ने उस रानी को किसी और के साथ देख लिया, वो रानी की फिर यह बताते कि हत्या कर दी गई या उसने आत्महत्या कर ली। ये अगला स्टेप हुआ, बात हुई, ये का असलियत पता नहीं लग पाई कि क्या हुआ, हत्या हुई कि आत्महत्या। फिर बताते हैं कि वो रानी आज भी वहाँ राजा से बदला लेने के लिए उसकी आत्मा इन जंगलों में, इस महल में, इस एरिया में यहाँ पर घूमती है। ये तो है पूरी कहानी इसके पीछे की। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी वैसे शाम को या अकेले में आने की जगह अवॉइड करने की है। ये देखिए इसमें एक भूल भुलैया जैसी सी बनी हुई है, यहाँ मैं आपको लेकर आ गया ये, और ये यहाँ बंद हो गया रास्ता। ये देखिए ये यहाँ से, अब एक यहाँ पर भी है इसका कुछ छोटा मोटा बना हुआ, ये क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा किस तरह का स्ट्रक्चर रहा होगा। यहाँ से देखिए कितना शानदार एक व्यू, जबरदस्त जंगल में बने हुए भूली भटियारी के महल कहें, किला कहें, जो भी है, काफ़ी सुनसान एकांत ये इलाका है। अब आपको मैं, आप दोस्तों वहाँ पर जो कुछ कोठरियाँ सी बनी हुई है वे और दिखा देता हूँ। यहाँ पर वहाँ से उस जगह से नीचे आ गया हूँ इसमें, और ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे कमरे से बने हुए हैं, इसकी बहुत मोटी ऊंची दीवार में, ये देखते हैं पता नहीं, छोटे छोटे इनके गेट हैं, दरवाजे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी आदमी रह करते होंगे। ऊँचाई तो ठीक है इसकी, आदमी आराम से काफ़ी 10-12 फुट ऊंची होगी, लेकिन ये छोटे छोटे कमरे हैं, पता नहीं सेवक रहा करते होंगे, गार्ड रहा करते होंगे, कौन इसमें, एक उधर है कोने में भी, कई सारे हैं ऐसे ऐसे कमरे इसमें। ये देखिए क्या स्ट्रक्चर है इसका, क्या किस हाल में है ये अब। ये देखिए एक और कमरा यहाँ पर, ये अंदर से दिखाता हूँ आपको, ये टोटल छत है इसकी ऐसी, और ये सब यहाँ पर, ये सब देखिए भूली भटियारी महल के कुछ हिस्से हैं। काफ़ी कुछ सबूत है इसमें, और काफ़ी कुछ समय के साथ ढह गया है, गिर गया है। ये देखिए एक और कमरा है यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह का छोटा सा गेट है। ये आप देख लीजिए,
ऐसे ऐसे इन दीवारों में काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं। ये इसके सारा ऐसा दिखता है यहाँ से। ये है भूली भटियारी महल का अंदर का हिस्सा। ये पोजीशन मुझे, ये इसका स्ट्रक्चर का सबसे ज़बरदस्त हिस्सा जो मुझे लगा वो ये है। यहाँ से देखिए, जैसे पता नहीं किसी के बैठने का शायद, या नीचे दरबार वगैरह लगता होगा। ये देखिए कितना शानदार व्यू है, लुक है यहाँ से। ये ऊंचाई देखिए, मोटी मोटी दीवारें देखिए, ये यहाँ से। तो अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ भूली भटियारी महल के पीछे की दीवार महल के दिखाने। ये देखिए, कभी ऊंचे गुंबद यहाँ पर इस तरह के रहे होंगे। ये उसकी दीवार है पिछली, ये समय के साथ यहाँ पर चेंज हो गया होगा ऊंचाई नीचाई, क्योंकि ये पार्क डीडीए के अंडर है ये जगह, तो वे चेंज करते रहते हैं। ये प्राचीन इस महल के अवशेष यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखते हैं अंदर चलते हैं, अंदर क्या यहाँ से भी रास्ता है क्या। आइए, ये देखिए यहाँ पर, नहीं यहाँ पर रास्ता नहीं है, ये क्या है समझ नहीं आ रहा, कुछ चौकी या कुछ रहा होगा कोई पुराने समय में। ये अब उसका बचा हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पर, बाकी क्लियर नहीं हो पा रहा है। काफ़ी ये पुराना स्ट्रक्चर है, ये समझिए कि मुगल एरा से भी पहले का, यानी कि तुगलक वंश का जब शासन था भारत पर, उस समय के दौरान की ये मोन्यूमेंट है, बिल्डिंग है। ये इस साइड आगे और लेकर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इधर जंगल है बिल्कुल, और इस जंगल में भी इधर देखिए एक तरीके के कितने मोटे मोटे पहाड़ है, पहाड़ का ये पत्थर है यहाँ पर, ये खाई जैसी है यहाँ पर। इसका ये मतलब है कि पुराने समय में यहाँ पर खाई रही होगी इस महल को कवर करने के लिए, क्योंकि जंगल था ये सारा एरिया अरावली की पहाड़ियों में, जंगल में इस महल को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर ये खाई रही होगी, जो काफ़ी गहरी है, करीब मुझे लगता है 20 फुट ये गहरी खाई होगी। ये पत्थर बड़े बड़े आज भी यहाँ देख सकते हैं, और ये इधर आप देखेंगे यहाँ तक इसका सब ये इलाका है, बाउंड्री है।